पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शहवाजपुर से कुछ दूरी पर कटना नदी के निकट शव बरामद होने से सनसनी मच गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव की शिनाखत की। शिनाखत में शव बीसलपुर के एकता नगर कॉलोनी निवासी सर्राफा व्यापारी संजीव वर्मा का बताया जा रहा है। मामले की सूचना संजीव वर्मा के परिजनों को दी गई। सूचना पर पहुंची मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप अपने ही सगे देवर पर लगाया है। मृतक की पत्नी ने कहा कि उनके देवर सोनू वर्मा उर्फ आरिफ ने काफी समय पूर्व अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, जिसके बाद दोनों भाइयों में मनमुटाव रहता था। मृतक की पत्नी ने अपने ही देवर पर हत्या का आरोप लगाया। सोनू उर्फ आरिफ का फोन आया और जेवर खरीदने की बात कही, जिसको लेकर संजीव घर से निकला था। रात को नहीं पहुंचा। मैं तो कल रात को बैठा था, मेरे को तो पता था कि मेरे छोटे भाई का साले का बर्थडे था, तो मैं आया हुआ था यहाँ पे। सुबह मैं 9 बजे यहाँ पे आया, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। ये लोग घबराए हुए थे, ये लोग उससे कह रहे कि मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ। तो ये आधे घंटे तो छोड़ो, एक घंटा हो गया। फिर वहाँ से यहाँ पर फ़ोन आता है मेरे पास में, मेरे से कहते कि यहाँ पर आ जाओ, आपके मामा का मर्डर हो गया है, ऐसे ऐसे। फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर पुलिस वालों से पता लगा है कि मर्डर हुआ है, देखा भी है मैंने। जैसे कि मेरे मामा हैं, वो मामी थी जो रो रही हैं पीट पीट कर। और इसका सारा जो भी है इल्ज़ाम जो रहता है वो सिर्फ छोटे मामा में जाता है, क्योंकि छोटे मामा जो हैं हमेशा से ही लड़ाका है, बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें, चोरी चकारी इसके हरकतें कुछ ज़्यादा करता है। हमारे घर में भी चोरी करी थी इसी ने, आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया? हाँ, धर्म परिवर्तन कर रहा है। शादी करी थी मोमगढ़ से, तो मोमगढ़ का अपना मुसलमान बन गई थी। फिर जब से हमने इनको छोड़ दिया था, फिर एक बार ये हमारे घर पे भी आए थे अपने बच्चे लेकर के, तो हमसे झूठ बोला इन्होंने, खत्म हो गया कि हम अपने बच्चों को भी जान दे देंगे। तो हमने दिवाली का समय पर इन्होंने आकर के, मेरा भाई काम करता है कपड़े का और मैं करता हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, दिल्ली के अंदर हमारा काम है अपना। ये आए थे, इनके लिए हमारे भाई ने कपड़े भी ला करके दिए थे। ये सुबह के टाइम पे ही चोरी करके वहाँ से फरार हुआ है। हमने फ़ोन भी मिलाया था, तब भी वो व्यापारी का क्या मामला है, क्या कार्रवाई? व्यापारी संजीव वर्मा है, उनका सौ मिला है, उनको हेड इंजरी है। सौ को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर के आधार पर उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र स्थान किया है।